सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2 रुपए 15 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 246 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक आज के दिन ओपन होता है 247 रुपए पर, स्टॉक हाई लगाता है 252 रुपए का। अपने हाई से देखें तो स्टॉक लगभग 6 रुपए की गिरावट दिखा चुका है और आज के दिन स्टॉक के अंदर लो बना है 244 रुपए का, वहां से स्टॉक में लगभग 2 रुपए की रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर में तो बायर क्वेरेंटी 4,44,038 क्वेरेंटी देखने को मिल रही है, वहीं पर सेल्स क्वेरेंटी 23,66,181 क्वेरेंटी है। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर देखें तो काफी ज्यादा है, उसके बावजूद भी स्टॉक के प्राइस में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर में तो लिक्विडिटी 64,61,000 क्वेरेंटी देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक के अंदर काफी बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा संकेत है कि यहां से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक टॉप बना था ऊपर में 230 रुपीज का, 230 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली, जहां पर स्टॉक नीचे में 200 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहाँ पर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्टॉक में जब 231 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की मात्रा देखे तो काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है और स्टॉक यहां से एक बड़ी तेजी का मोमेंटम दिखाता है, जहां पर स्टॉक ने 252 रुपीज के प्राइस को भी ऊपर रिटेस्ट कर लिया है। वहां पर स्टॉक के अंदर एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है, पर आज के भी दिन देखें तो स्टॉक में एक बड़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, जिसका सीधा संकेत है कि यहां से स्टॉक लॉन्ग टर्म में 275 रुपीज के टारगेट जल्दी अचीव कर सकता है। स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर जब भी देखने को मिलेगा जब स्टॉक नीचे में 231 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है, क्योंकि 231 रुपीज स्टॉक का फ्रेश सपोर्ट लेवल बन चुका है और यहां से स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में 240 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।